तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और फाइनली आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं, और आशा करता हूं आप सभी लोग सही होंगे, सब ठीक ठाक होगा। तो आज आपके सामने एक होंडा की अकॉर्ड लेके आया हूं, जो कि 2014 का मॉडल है। इसका ना एयरबैग देख पा रहे हैं खुल चुका है, एक्सीडेंट हुई थी लेकिन बट अभी डेंटिंग का काम हो चुका है, अब अपना इलेक्ट्रिकल काम में आया है। तो इस वजह से ना इसका मैं डैशबोर्ड खोलने वाला हूँ। डैशबोर्ड खोल के इसमें डैशबोर्ड न्यू तो नहीं, सेकंड डैशबोर्ड रिप्लेस करने वाला हूँ। तो सेकंड डैशबोर्ड रिप्लेस करने वाला हूँ और उसके बाद इसका एयरबैग मॉड्यूल प्रोग्रामिंग के लिए जाएगा। और सीट बेल्ट, सीट बेल्ट ये तो सही सीट बेल्ट है, सही दिखा रहा है। और ये भी ड्राइवर साइड वाला भी सीट बेल्ट सही दिखा रहा है, तो अभी तो सही दिखा रहा है लेकिन बट ये सब चीज़ें लगाने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि सीट बेल्ट सही है या ख़राब है। लेकिन कंपनी से ऑर्डर आया है कि बस इतना ही चीज़ चेंज किया जाए, तो इस वजह से इतना ही चीज़ें चेंज कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले डैशबोर्ड खोलूँगा और एयरबैग चेंज करूँगा। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मेरे को आपको गाड़ी चालू करके दिखा देता हूँ, क्योंकि गाड़ी चालू पोजीशन में है। अभी देख पा रहे गाड़ी चालू पोजीशन में है, सिर्फ एयरबैग लाइट आ रही है और बाकी कोई भी लाइट नहीं आ रही है। तो चलो फिर अपना काम चालू कर रहे हैं। सबसे पहले बैटरी वायर रिमूव कर देता हूँ, इग्निशन ऑफ कर दिया, गाड़ी ऑफ कर दिया। तो चलो बाहर चलते हैं, बैटरी वायर निकालते हैं और बाहर भी दिखा देता हूँ इसका इंजन वगैरह आपको मैं। देख पा रहे हैं गाड़ी इधर से काफ़ी बुरी तरीके से ठुक चुकी थी। रेडिएटर, कंडेंसर, कंडेंसर फैन ये सब नया डलवाया है, देख लीजिए सब नया डल चुकी है। तो चलो इसका सबसे पहले बैटरी वायर रिमूव करता हूँ मैं, नेगेटिव वाला, फिर अंदर चलता हूँ और खोलना स्टार्ट करता हूँ। तो फाइनली बैटरी वायर निकल चुकी है, अब चलो अंदर चलते हैं। तो अब खोलने के लिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं कंसोल बॉक्स का सेटअप खोलूँगा। तो कंसोल बॉक्स का सेटअप खोलने के लिए मेरे को क्या क्या खोलना पड़ रहा है पड़ेगा, तो सबसे पहले इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ और इसके अंदर जितने भी सामान पड़ी है सामान निकालता हूँ। तो सामान तो कुछ नहीं है, सबसे पहले यही चीज़ें खुलेंगे अपना। क्रोम निकालना चाहते हैं तो पहले क्रोम भी निकल जाएगा, सेम इस साइड का क्रोम। निकल चुका, अब उसके बाद जो है ये वाला चीज़ें निकलेगा। तो माइनस स्क्रूड्राइवर से इधर से कटा के निकालना पड़ेगा मेरे को, हाथ से उतना कंफर्टेबल नहीं मिला, तो चलो इसको मैं निकालता हूँ। फाइनली ये निकल चुका, और ये निकालने टाइम टूट भी जाता है क्योंकि ये बहुत बारीक रहता है, क्रैक हो जाता है, तो मेरे से भी टूट गया ये, देख पा रहे हैं। तो चलो इसको पीछे होल्ड कर देता हूँ। तो फाइनली ये चीज़ें बाहर निकल चुकी, अब अंदर का 3 10 नंबर दिख रहा है, ये 3 10 नंबर खोल रहा हूँ। तो 3 10 नंबर खुल चुका है, और 2 10 नंबर एक यहाँ पे दिया है, एक यहाँ पे दिया है, ये भी खुलता हूँ। तो ये भी फाइनली खुल चुका, अब अपना बाहर आ जाएगा। कुछ तो कहीं दिया हुआ है लगता है, साइड का निकाल दे, नहीं पहले यही निकलेगा। देखता हूँ इसको कहाँ क्या दिया हुआ है, आई थिंक ये वाला दिया हुआ है, ये निकलेगा पहले। तो इससे पहले कंट्रोल पैनल निकलेगा अपना, ये स्टार खोलना पड़ेगा, तो ये दोनों खोलता हूँ मैं। तो फाइनली दोनों स्क्रू खोल दिया हूँ, अब ये निकल गया, पीछे एक सॉकेट है।
सॉकेट निकल चुका, अब जा कर के ये चीज़ें निकलेगा अपना, देख पा रहे हैं ये निकल चुका। तो इसको पीछे होल्ड कर देता हूँ, पीछे एक सॉकेट है, फाइनली ये निकल चुका। और गियर बॉक्स को अपने को पीछे लेना पड़ेगा, यहाँ पे देख रहे हैं एक स्लाइड करने वाला दिया है, इसको नीचे करेंगे तो गियर चेंज हो जाएगा अपना। तो ये देख पा रहे हैं ना 10 नंबर, ये दोनों खोलना पड़ेगा फिर ये बाहर निकलेगा। तो चलो ये दोनों 10 नंबर खोलता हूँ मैं। तो फाइनली ये 10 नंबर खुल चुका, अब ये निकल जाएगा अपना, देख पा रहे हैं निकल गया। तो चलो इसको पीछे होल्ड कर देता हूँ। तो फाइनली ये निकल गया, अब सबसे पहले अपन आते हैं एयरबैग खोलने के लिए। तो एयरबैग खोलने के लिए अपने को ऑयलिंग की, देख पा रहे हैं इधर से तो नहीं दिख रहे, यहाँ से देख लीजिए 25 नंबर ऑयलिंग की है, दो दो साइड दिया है, वो दोनों खोलता हूँ और एयरबैग निकालता हूँ। तो फाइनली दोनों ऑयलिंग की खोल चुका हूँ, इसका अब ये बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया। पीछे ये सॉकेट देख पा रहे हैं, ये सॉकेट थोड़ा दोनों हाथ से मेरे को दबाना पड़ेगा तभी जा कर के खुलेगा। तो चलो मैं खोलता हूँ सॉकेट, निकालता हूँ। तो फाइनली दोनों सॉकेट निकल गया, ये वाला चीज़ है पुश करना पड़ता है इधर, तो फिर निकल जाता है। तो निकल गया और एक सॉकेट हॉर्न को हॉर्न वाला है, ये स्पंज से ढका हुआ है। तो समझ नहीं आ रही ये, क्योंकि ये स्पंज से ढका हुआ है ना, तो चलो मैं इसको निकालता हूँ। तो फाइनली ये भी निकल चुका, देख पा रहे हैं ये एयरबैग। अब अपने को खोलना है स्टेयरिंग, स्टेयरिंग खोलने के बाद ही आगे का सेटअप खुलेगा। तो चलो मैं स्टेयरिंग देता हूँ खोल इसको, ये वाला बोल्ट है, ये खोलने के बाद लॉक करके स्टीयरिंग निकालना है। तो ये बोल्ट खोलता हूँ सबसे पहले, ये एलिंग की खोलने के लिए ये मशीन सबसे अच्छा है, देख पा रहे ये खोल रहा, काफ़ी टाइट है ये बोल्ट। फाइनली ये खुल चुका, काफ़ी जाम रहता है ये। तो इसमें मार्किंग तो किया हुआ है, बट फिर भी एक बार मार्किंग कर देना आप अपने हिसाब से। तो चलो इसको मैं निकालता हूँ मार्किंग करके। मार्किंग करके इसको निकालता हूँ। फाइनली ये मार्किंग देख पा रहे हैं, इस तरीके से मार्किंग कर दिया हूँ ताकि बैठाने टाइम ये इजीली अपना बैठ जाए, कोई दिक्कत ना करे। और एक सॉकेट है ये वाली क्लॉक रिंग वाली, उसके बाद ये इधर ही रहेगा। तो चलो अब इसको निकाल देता हूँ। तो फाइनली ये निकल चुका, स्टीयरिंग अपना सीधा था, सीधे पोजीशन में, इसको निकाल दिया। और क्लॉक रिंग देखो यहाँ आ गया वापस से, तो इसका सेंटर पोजीशन ये है। तो इसको पीछे होल्ड कर देता हूँ, के बाद ये वाला चीज़ें खोलता हूँ। तो फाइनली इसको निकालने के लिए एक माइनस स्क्रू डाल लेना है, इसको ऐसे बाहर ले लेना है। दो स्क्रू दिख रहा है, एक स्क्रू सामने नीचे है। तो ये तीनों स्क्रू खोलता हूँ मैं। तो स्क्रू सब खुल गया, इसको नीचे ले लेना है, ये बाहर आ जाएगा। तो इसको पीछे होल्ड कर देता हूँ, यहाँ पे एक स्क्रू दिया हुआ रहता है, तो इसको पीछे होल्ड कर देता हूँ। उसके बाद ये कहाँ से दिया हुआ है, तो अब अपने सबसे पहला ये वाला चीज़ें निकलेगा, माइनस स्क्रू डाल लेने का इसको,
निकल चुका है। तो इसमें पीछे एक सॉकेट दी हुई है, पीछे होल्ड कर देते हैं इसको। अब उसके बाद ये वाला चीज़ें निकलेगा। ये वाला निकालने से पहले भाई ये वाला चीज़ें खोलना पड़ेगा। लॉक दिया है, ये निकल गया। उसके बाद नीचे देखना है कुछ दिया है क्या। इसको खींचते हैं बाहर साइड। निकल गया ये। अब इसमें तो चार सॉकेट है, ये चारों सॉकेट खोलता हूँ। तो ये चारों सॉकेट निकल गया। अब अपन ये 8 नंबर दिख रहे हैं, ये 8 नंबर खोलने की ज़रूरत है या नहीं है। ये निकल रहा है, इसको निकाल देते हैं। निकल चुका। अब उसके बाद मीटर निकलेगा, मीटर का कवर। एक स्क्रू यहाँ दिख रहा है, एक स्क्रू यहाँ दिख रहा है। तो उससे पहले अपना टेप निकलेगा। टेप निकालने से पहले निकल चुका पूरा, इजी स्टेप है। टेप निकल चुका और इसमें सब सॉकेट निकाल रहा हूँ मैं इसके पीछे का। तो फाइनली इसका सभी सॉकेट निकल चुका। और इसको बहुत संभाल के रखना क्योंकि ये बहुत नाजुक है, कहीं लगेगा टूट जाएगा। तो उसके बाद अपन खोल देते हैं क्लाइमेट कंट्रोल। और गलती से मैंने यहाँ टेप का सिस्टम को खोला था, वहाँ क्लाइमेट कंट्रोल बोल दिया था, जो कि क्लाइमेट कंट्रोल ये है। तो चलो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट, क्लाइमेट कंट्रोल खोलता हूँ मैं। ये वाला चीज़ें निकलेगा, खींच के ही निकलेगा। एक स्क्रू इधर, सॉरी स्क्रू नहीं दिया इसमें, ऐसे ही निकलेगा। तो निकालता हूँ इसको। ये वाला क्रोम भी खींच के निकलेगा। माइनस स्क्रूड्राइवर, तो ये फाइनली ये भी निकल चुका। और इसका डैशबोर्ड दो भागों में निकलेगा। उससे पहले मैं जरा इसको निकाल देता हूँ। यहाँ पे एयरबैग है, तो यहाँ पे एक लॉक ऐसा दिया है कि दोनों साइड से खींचेंगे तभी निकलेगा। तो ये लॉक निकालता हूँ मैं। ये निकाल, तो फाइनली ये भी लॉक निकल चुका। और ग्लो बॉक्स का पूरा सेटअप खोलना पड़ेगा। सेटअप खोल के बाहर आएगा ये। सॉकेट है इधर, एक सॉकेट इधर है। सॉकेट निकालता हूँ। ये ग्लो बॉक्स भी निकल गया अपना, पीछे होल्ड कर दो इसको। अब अपना कंट्रोल पैनल निकाल लेते हैं अपन। ये भी निकल चुका अपना। अब इसमें एक सॉकेट रहेगी, पीछे होल्ड कर देता हूँ। अब अपने को ये वाला पूरा सेटअप निकालना है। ये जितना वाइट वाला दिख रहा है पूरा निकालना है अपने को बाहर। तो इसमें एक स्क्रू, दो स्क्रू, एक 10 नंबर इधर, एक 10 नंबर इधर, ये सब खोलता हूँ। तो नीचे एक स्क्रू दिया हुआ रहता है यहाँ पे, उसके बाद स्क्रू करने के बाद ये बाहर आ जाएगा। सेम उस साइड का एक स्क्रू खोलने के बाद
ये बाहर आ जाएगा। अब अपना ये जो है ये कवर ऊपर ले लेते हैं, गियर के ऊपर जो दिया है, क्योंकि ये इजीली अपना निकल जाए ताकि। तो चलो ये क्लिप खोल के इसको ऊपर लेता हूँ। तो फाइनली सब खुल गया, अब ये अपना इजीली निकल जाएगा। यहाँ पे लग रहा है कुछ, तो या पीछे से स्क्रू दिया है इसमें। तो फाइनली अब ये निकल गया, बस वायरिंग वगैरह सब लगा हुआ है, तो ये सब खोल के निकालता हूँ इसको। तो फाइनली ये निकल चुका, ये वाला निकालना पड़ेगा। काफ़ी बारीक बारीक फिटिंग दिया है इसमें, तो ये भी निकल चुका। अब अपना जो है ये दो स्क्रू खोलना पड़ेगा, तो इसको खींच के ही निकालना है अपने को। तो इसमें स्क्रू एक इधर भी था, एक इधर भी था, ये खोला गया है स्क्रू। उसके बाद जो है ये अपना खींच के निकालना है इसको, कहीं से पकड़ में तो नहीं आ रही है। इधर से निकल चुका, दो स्क्रू इधर भी दिया है, तो फाइनली इधर की स्क्रू भी खुल चुकी है। बहुत बारीकी से निकालना पड़ेगा इसको, तो देख पा रहे हैं ये फाइनली निकल चुका। तो इसको अच्छी जगह रखना है। तो उसके बाद मीटर है, मीटर का दो स्क्रू दिया हुआ है, एक ऊपर, तीन, तीनों स्क्रू खोलता हूँ। तो सबसे पहले क्लॉक रिंग निकाल लेता हूँ, क्योंकि ये कब घूम जाए मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो इसकी सॉकेट रहेगी, दो, तीन सॉकेट, एक लॉक तो इधर दिखा, ये वाली लॉक, उसके बाद एक यहाँ पे लॉक है, एक यहाँ पे, ये वाली लॉक। तो फाइनली ये निकल चुका अपना, तो इसको अच्छा से बांध दें और फिर कहीं होल्ड कर दें। तो उसके बाद मैं इसको खोल देता हूँ, इसमें दो स्क्रू लगे हैं, लॉक कर दें इसको। खुल गया ये, और एक स्क्रू ये, अपना ये निकल जाएगा। इसमें देख लेना है, कुछ तो दिया नहीं है, एक स्क्रू इधर भी है, तो स्क्रू खोलता हूँ। तो फाइनली ये भी खुल चुका, पीछे बस एक सॉकेट रहेगी। एक सॉकेट इधर दिया है, तो ये भी निकल चुका। अब मीटर निकाल लेते हैं, मीटर का स्क्रू खुल चुका है, तो इसको बाहर लेता हूँ मैं। तो फाइनली ये बाहर आ चुका, ये रही इसका सॉकेट। सॉकेट
निकल गया फाइनली। अब अपना ये वाला मीटर खोलना है, एक स्क्रू ये, एक स्क्रू ये, दो बस। तो ये स्क्रू, यहाँ का स्क्रू तो निकला हुआ है, तो ये दोनों स्क्रू खोलता हूँ। तो फाइनली ये भी निकल चुका, दोनों स्क्रू निकाल दिया हूँ। इसमें 200 फीट है इस साइड। तो ये सॉकेट निकालता हूँ मैं। तो फाइनली ये भी निकल चुका, इसको पीछे होल्ड कर देता हूँ। अब बाकी डैशबोर्ड निकालने के लिए एक स्क्रू ये 8 नंबर दिया है, एक ये, 2, 3, 4, 5। तो ये सब मैं खोलता हूँ और डैशबोर्ड बाहर लेता हूँ। तो फाइनली सभी 8 नंबर और स्क्रू बोलो 8 नंबर बोलो सब खोल चुका हूँ। अब ये बाहर आ जाएगा अपना डैशबोर्ड। ये वाली सॉकेट है खोलना पड़ी, एक संदूक सेंसर का और एक यहाँ पे एक छोटा सा इधर गया है, समझ नहीं आ रहा है। यहीं पे कुछ सेंसर दिया है इसका, ये वायरिंग थी, खोल दिया हूँ। और एयरबैग के तरफ का तीनों बोल्ट, एयरबैग सॉकेट और 8 नंबर जितना था सब निकाल दिया हूँ। अब डैशबोर्ड अपना बाहर आ जाएगा, तो चलो इसको अपन बाहर लेते हैं। फाइनली ये पुराना वाला बाहर आ चुका है और ये रही अपना, नया तो नहीं है, सेकेंड हैंड है। ये पूरा फिट होगा इसमें। इसमें कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसका कुछ खोल के इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी सेकेंड हैंड है, तो इसमें पूरा सेटअप आया है। तो चलो इसको डायरेक्ट गाड़ी में डाल देते हैं अपन। तो फाइनली दूसरा डैशबोर्ड डाल दिया हूँ इसमें, देख पा रहा। तो चलो अब फिटिंग करने के लिए लग जाते हैं, सब फिटिंग करता हूँ। तो फाइनली दोनों मीटर फिट हो चुका है, डैशबोर्ड का जितना भी बोल्ट था 10 नंबर 8 नंबर सब फिट हो चुका है। तो चलो अभी ऊपर का पैनल डालता हूँ। तो फाइनली सब फिट होने को आया है, देख पा रहे हैं, टेप वगैरह कंट्रोल पैनल सब बैठ चुका है, देख पा रहे हैं, ग्लो बॉक्स वगैरह लग चुका है, साइड पैनल वगैरह लग चुका है, बस कंसोल बॉक्स लगाना बाकी है और इधर का लगाना बाकी है। तो चलो ये फाइनली फिटिंग करता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। तो फाइनली पूरी गाड़ी फिट हो चुकी है, बस अपने को ये एयरबैग लगाना बाकी है। तो चलो ये एयरबैग लगाता हूँ और बैटरी वायर लगा के चेक करता हूँ, गाड़ी चालू करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ और देखते हैं कौन सी लाइट आ रही है। तो चलो इसको मैं फिटिंग कर देता हूँ। तो फाइनली बैटरी वायर लग चुकी है और सबसे पहले अपन इसको स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए एयरबैग लाइट अभी भी आ रही है, एयरबैग की लाइट अभी भी आ रही है। तो इसको मैं सबसे पहले आपको स्कैनर से स्कैन करके दिखाता हूँ काहे के लिए लाइट आ रही है अभी। एयरबैग हमने चेंज किया, होंडा रीडोर है, ऑटो सिलेक्शन, ओके। तो मेड इन यूएसए है, 2014 का, ऑटो सिलेक्शन में जा रहा हूँ, ऑटोमेटिक ऑटो स्कैन में जा रहा हूँ, हॉट सिस्टम, ऑल सिस्टम, रीड ओड है, यस,
सेफ टू पार्क। ओके, अब स्कैन हो रहा है। इंजन में तो कोई कोड नहीं है, एटी में भी कोई कोड नहीं है, एबीएस में भी कोई कोड नहीं है, नहीं है। अभी स्कैन हो रहा है। काफ़ी टाइम ले रहा है प्रेशर, सॉरी। इसमें बस अपना एसआरएस में कोड दिख रहा है, वन कोड, तो उसको चेक करके दिखा देता हूँ कि काय का कोड आ रहा है, जो अपन इतना चीज़ चेंज किए हैं उसके बाद भी लाइट आ रही है। सॉरी, कंटिन्यू। ये रही एसआरएस में, चलते हैं अपन। रीड कोड में चलते हैं। क्या बता रहा है? परमानेंट ओपन और इंक्रीज रेजिस्टेंस इन द ड्राइवर सीट बेल्ट टेशनर, यानी ड्राइवर साइड के तरफ का सीट बेल्ट का कोड। सो जो ड्राइवर सीट बेल्ट की तरफ का कोड आ रहा है, तो इसके जाने के बाद एयरबैग लाइट आई थिंक चला जाएगा। तो मैं इस चीज़ पे भी छेड़खानी नहीं करूँगा, क्योंकि कस्टमर का कहना है कि ये चीज़ें काम में बाहर करवाऊँगा इस वजह से। तो बाकी सब प्रॉपर तरीके से फिट हो गया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से सब फिट हो गया। बस इसी की वजह से एयरबैग लाइट आ रही है और बाकी कोई मसला नहीं है। और आप एक बार हॉर्न लास्ट पोजिशन में जाके चेक कर लेना, बज रहा है, यहाँ भी बज रहा है जी। सब सही चल रहा है, प्रॉपर तरीके से फिट हो गया। तो हेलो गाइस, हेलो गाइस, आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो फिर, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन।